हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मियाओ मीट। तो ये हैं मेरे तीन शैतान। तो इनका ना बहुत ज्यादा ये मुझे परेशान करते हैं। देखो कैसे पकड़ लिया मैंने और चुपचाप कैसे बैठा है बॉब। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। रस्टी कह रहा है छोड़ दे भाई मुझे, पर बड़े प्यारे हैं। और ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी औरा। तो मैं आज आपको ना इनके बारे में बताऊंगी कि ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सबसे बड़े वाले के बारे में, वो है बॉब। चलो तुम जाओ, तब तक खेलो। तो ये बॉब है भाई साहब। तो दिखने में जितने शरीफ लगते हैं उतने ये हैं नहीं, पर हाँ ये है कि ये एकदम से डर जाता है और मेरी बात मान लेता है। अगर बोल दिया मैंने बैठ जा सो जा तो ये सो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बुलाने पे ये बहुत मुश्किल आता है। कभी कभी जब इसको कुछ खाने को चाहिए होता है ये तभी आता है। बाकी बहुत केयरिंग है ये, बहुत अच्छा है। और आज सुबह सुबह इसने कंफर्टर में सूसू भी कर दिया। मैं ना आपको ना इनकी वीडियोस दिखाऊंगी कि ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं। आपको पता चलेगा इनके मासूम चेहरे के पीछे इनके जो पागड़ बिल्ला छिपा हुआ है उसके बारे में आपको दिखेगा आज। ये देखो यहाँ भी ये खुजली करवा रहा है मुझसे। तो इनको ना ऐसा बहुत पसंद होता है, बहुत मजा आता है। तो इसका क्या है, फीडिंग का जो शेड्यूल है ना, तो फीड में ये क्या करता है, अपनी फीड खाता है। और इसको अंडा पसंद है खाना और इसको दूध भी था पीना पसंद है। घर गया था तो इसने दूध पिया था, तो इसको आदत पड़ गई थी और ये दूध मांगना स्टार्ट कर दिया था इसने। लेकिन अब मैं इसे दूध नहीं देती हूँ और कैट को दूध देना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको गंदी आदत पड़ गई थी तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी दे देती थी। तो ऐसा है इसका, फिर इसको ना दिक्कत तो कुछ हुई नहीं वैसे एज सच, लेकिन मैंने खुद ही बंद कर दिया। बस मैं इसे अंडा देती हूँ, अंडा खा लेता है ये। और इसकी एक बात ये है, ये चिकन भी नहीं खाता है। कभी इसने चिकन नहीं खाया, फिश नहीं खाया, कुछ नहीं खाता है ये। पर ये क्यूट है। आप मुझे बताना आपको बॉब कैसा लग रहा है। तो अब मैं आपको रस्टी की बातें बताऊंगी कि रस्टी कैसा है। अब मैं रस्टी को लेके आती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है मुझे वैसे, पर क्यूट है वो भी। तो ये है रस्टी भाई साहब, जो कि शक्ल से बहुत मासूम लगते हैं, बट ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। इनकी शक्ल पे आप बिल्कुल भी मत जाइए। ये देखो इसकी शक्ल देखो। तो रस्टी भाई साहब को चिकन बहुत पसंद है खाना, और ये ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छे से खा लेता है। ये अंडा नहीं खाता, पर पता नहीं क्यों। तो हर किसी कैट की ना चॉइस अलग होती है। तो मेरी तीनों कैट की चॉइस अलग है। जैसे औरा है, वो खाया था परसों, फिश खाई थी और ये नहीं खाता। और इसकी एक अच्छी आदत ये है, अगर इसकी ना एक दो बार ना पूंछ दब गई थी मुझसे तो कुछ नहीं बोलता। अगर इसको थोड़ा पेन होगा तो आ करता है ना, और सोता है, ये बहुत प्यार से सोता है। तो ये इसकी आदतें मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से पूरे रूम पे चहल पहल रहती है, वरना बॉब तो बोर कर देता है कभी कभी। और रस्टी की एक अच्छी बात ये है, अगर मैं इसको बाहर छोड़ देती हूँ या छत पे छोड़ देती हूँ ना, तो ये खुद आ जाता है। लेकिन बॉब है ना, वो कहीं चले जाएगा पड़ोस वड़ोस में इधर, फिर वो आ तो पाता है नहीं, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है उसको। तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ उसको। तो आप भी अपने ना कैट्स को कभी मत छोड़ना इधर उधर, और मीटिंग टाइम में तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। पर ये इतना प्यारा बच्चा है मेरा, ये हो गया है 10 महीने का और ये कहीं नहीं जाता है, ये सीधा रूम पर आता है। ये देखो इसने क्या बोला, म्याऊ छोड़ दो अब, तो बेटा जाओ। तो गाइस ये है हमारी छोटी सी चिंकली औरा, और ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, 1.5-2 महीने की हो गई है। तो अब इस पे ना वैक्सीनेशन भी करवानी है मुझे, जाऊंगी अब, मुझे टाइम मिलेगा जब, और इसकी वैक्सीनेशन भी करवाऊंगी। तो ये क्यूट सी बच्ची ये ड्राई खाने लग गई है और दांत आ रहे हैं ना, इसकी टीथिंग हो रही है। तो और इसने परसों थोड़ी सी फिश भी खाई थी, तो मैंने बोन निकाल के दी थी इसको। और देखो ये सो गई, हाथ में ही सो जाती है ये, बड़ी प्यारी है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कैसे सो रही है ये, जहाँ देखो सो जाती है, आंखें खोल ली उसने, हाथ मार रही है गंदी, देखो हाँ देखो। तो ये ना बहुत एक्टिव है, और ये ना ऐसे कैमरे की तरफ भी देखती है, और इसको बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब में जैसे मैं कार्टून्स या कैट्स की वीडियो लगाती हूँ ना, तो वो भी देखती है ये।
तो ये अब बड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे करके, अभी तो छोटी है तो प्यारी है, वैसे बड़े होके भी ये प्यारी ही रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है फीमेल कैट भी, तो वैसे तो ये क्यूट लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बदमाशी भी करता है। तो मैं आपको ना इनकी ना आगे वीडियो दिखाती हूँ, ये कितनी ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पर बहुत मज़ा आता है मुझे इनके साथ, मेरा अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। अगर आप भी अकेले रहते हैं या फिर बोर होते हैं तो आप एक कैट तो रख ही सकते हैं, मज़ा आता है इनके साथ। तो मैं बुला रही हूँ रस्टी को, तो जब भी मैं बुलाती हूँ इसको तो ये आ जाता है हमेशा, एक आवाज़ में ही एकदम से आएगा ये भागते हुए। पर बॉब ना कभी नहीं आता, जैसे उसको बुलाऊंगी वो देखेगा फिर इग्नोर कर देगा। कभी कभी आता है जैसे खाना वाना देती हूँ तब आता है, लेकिन रस्टी और पक्का आते हैं बुलाने पे, एक बार पे ही। तो मैंने एक टेबल रखा है छोटा सा, तो और उस पर चढ़ के आती है, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाती ना ऊपर, अभी छोटी है। तो मैं बुला रही हूँ इसको औरा को, तो देखना कैसे आ रही है। अभी इसने खाना खाया ना, तो देखो पेट भरा हुआ है इसका, तो बेचारी सुस्त आ रही थी, लेकिन आ जाएगी चढ़ के ऊपर। तो देखो ये छोटे से टेबल में चढ़ी फिर आई ऊपर और मैंने इसे पकड़ लिया। तो अब मैं ना डांटूंगी बॉब को, आप देखना आगे। इसने ना वॉश सूसू कर लिया था इसने कंफर्टर में, क्यों तो किया? आप देखो इनका रिएक्शन। अच्छा लगता है? ऐसे नहीं करना ना बेटा, कितना गंदी बात है। बार बार तुम तो अपने टेड रिमार्क करते रहते हो, अभी तो बिछाया था ना मम्मा ने, बताओ फिर बोलोगे गुस्सा करती हो। सब तुम्हारे ही तो है, एक को वहां माफ करना है, दूसरे को दूसरी जगह माफ करना है। बॉबी नहीं बेटा, नहीं करते हैं। देखो रस्ती को देखो, कितना समझदार है, समझ जाता है लेकिन फिर भी करता है वो भी। नहीं करते मेरे बच्चों, ऐसे क्यों करते हो तुम? आ जाओ आ जाओ, है ना? पार भी तो करती है ना मम्मा, करती है ना। जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो ये रस्टी हमेशा अंदर घुस जाता है। जब ये छोटा था तब से ये यही काम करता है और अभी तक भी ये ऐसे ही खेलता है अंदर घुस के। और ये देखो ये चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, ये सुस्ती एक नंबर का ना, आंखें बंद कर रहा है अपनी। तो आप देखना ये दोनों खेलते रहेंगे, बॉब तो ऐसे चुपचाप बैठा रहता है, कभी कभी खेलता है वो, मूडी है। तो ये ना बैठेगा और इसको ना जब तक हटाऊंगी नहीं ना, तो ये ऐसे ही बैठे रहेगा, कभी कभी सो भी जाता है उसी के अंदर। तो ये औरा है खेल रही है, इसने देख लिया है कैमरा, तो ये कैमरे के पास आती है ऐसे, बहुत तेज है ये भी। तो अब ना मैं इसको हटाती हूँ वरना ये यहीं बैठा रहेगा इसके अंदर रस्टी। तो ये मैंने हटाया, ये रे भाई साहब सो गया था शायद, ये देखो सो गया था। ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल बदमाश है, ऐसे ही खेलता है ये, कंबल के अंदर घुस जाएगा या रजाई के अंदर और फिर निकलता नहीं है बाहर। और औरा के साथ ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इसकी, खेलता है उसके साथ काफ़ी। बॉब नहीं खेलता औरा के साथ, पता नहीं क्यों नहीं खेलता, समझ नहीं आता वो थोड़ा, पता नहीं उसको पहले से ही ना, जब रस्ट भी लेके आई थी मैं तो उसको थोड़ा था, मतलब जेलस हुआ था वो उस टाइम पे भी और औरा के टाइम पे भी। अब तो नॉर्मल है, अब आदत पड़ गई इन्हें, पर है थोड़ा बॉब को ना, बॉब को ये कि बस मेरे पे पूरा हक जमाता है वो, उसको नहीं पसंद कि कोई भी मेरे पास आए अटके भटके इधर से। तो ये भाई साहब की बॉल अंदर घुस गई थी तो मैंने निकाली इसे, इसके पीछे पड़े हुए थे ये, और अब देख देख नहीं रहा है वे निकाल। तो ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं औरा को और औरा बैठी हुई है ऊपर, तो इतना गधा है ये कैसे ढूंढ रहा है, पूरी मुंडे अंदर घुसा रखी है बेवकूफ ने। रस्ती रस्ती औरा कहाँ हो गया यार, कहाँ हो गया यार, बोल यार बोल बोल। तो इन तीनों को आ रही है नींद और ये सोने वाले हैं अब। तो आप देख सकते हैं तीनों कभी कभी साथ में सो जाते हैं, वरना रस्टी और औरा कभी बेड में सोते हैं, बॉब नीचे सो जाता है। देखो रस्टी को अभी भी चैन नहीं है, अंगड़ाइयाँ मार रहा है। तो ऐसे ही ये आराम से तीनों एक साथ रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई कैट है तो आप मुझे उनके बारे में बताना। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।